बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेकंड चैप्टर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ सेपरेशन टेक्निक, द प्रोसेस इन विच सॉलिड पार्टिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ए लिक्विड। वो प्रोसेस जिसमें हम इन सॉल्युबल पार्टिकल्स को सेपरेट करते हैं लिक्विड से, ऐसे प्रोसेस ऐसे टेक्निक को हम फिल्ट्रेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सैंपल है सैंड प्लस वाटर का। सैंड उसमें इनसॉल्युबल है जबकि वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं। सैंड और वाटर का सोलूशन होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की मदद से सेपरेट आउट करते हैं। इस बेस पर हम फिल्ट्रेशन को सेपरेशन टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम दो तरह के फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ फ़िल्टर पेपर, सेकंड वन इज़ फ़िल्टर क्रूसिबल्स। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस देखते हैं। इसमें हम एक बीकर में सैंड प्लस वाटर सॉल्यूशन का सैंपल लेते हैं। सेकंडली जो फनल होता है उसको हम स्टैंड की मदद से फिक्स करते हैं सेकंड बीकर के ऊपर, और जो फनल है उसमें हम फिल्टर पेपर को प्रॉपर्ली टाइटली फिक्स करते हैं ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। और जो इसका जो फिल्टर पेपर जो होता है उसको हम 1/3 उसको फोल्ड करते हैं और उसका 3 पार्ट्स एक साइड पे कर लेते हैं और 1 पार्ट एक साइड पे करके और फिल्टर पे ये जो फ़नल है उसमें हम इसको फिक्स कर देते हैं। और इसका ये जो स्टेम है फ़नल का, इसको हम बीकर के कॉर्नर के साथ फिक्स करते हैं ताकि जब हम फिल्ट्रेशन करें तो ऊपर से सैंपल डालें और स्टीयरिंग रॉड की मदद से इसको शेक करते हैं ताकि सारा का सारा मटेरियल एक ही जगह पे स्टक ना हो और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस डिस्टर्ब ना हो। ये कंडीशंस हम इन कंडीशंस का ख्याल रखते हैं ताकि फिल्ट्रेशन का प्रोसेस अच्छे अंदाज में प्रोसीड हो। अब हम जरा इसका प्रोसीजर देखते हैं। ये फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर इज़ अ स्लो प्रोसेस है। फिल्टर पेपर की मदद से जो फिल्ट्रेशन करते हैं ये एक स्लो प्रोसेस है क्योंकि ये सिंगल लेयर पर मुश्तमिल है। इन दिस प्रोसेस सॉल्वेंट पॉज करते हैं थ्रू फिल्टर पेपर और इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं ऑन द फिल्टर पेपर। इसमें हम ये सैंपल इस पर डालते हैं, यहाँ पे स्टीयरिंग रॉड की मदद से शेक करते हैं और यहाँ पे इनसॉल्युबल पार्टिकल्स लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं जबकि जो लिक्विड है वो नीचे बीकर में फिल्ट्रेट के तौर पे आ जाता है। मैनी टाइप्स ऑफ फिल्टर पेपर्स आर अवेलेबल हैं। दे हैव डिफरेंट पोर साइज। सोल्युबल फिल्टर पेपर इस चूज़ करते हैं सैंपल के मुताबिक। इट्स साइज शुड बी लार्ज होना चाहिए, दैट शुड बी 1/4 to 1/2। द फनल शुड बी लार्ज होना चाहिए और इसका जो स्टेम है वो भी लॉन्ग होना चाहिए, यानी ये जो फनल का जो स्टेम है ये भी लॉन्ग होना चाहिए जबकि जो फनल का साइज़ है ये भी फिल्टर पेपर से तकरीबन 1-2 सेंटीमीटर ऊपर होना चाहिए। जिस तरह कि यहाँ पे हमने इसमें फनल में फिल्टर पेपर फिट किया है लेकिन इसका जो ये पोर्शन 1.1 से 2 सेंटीमीटर ऊपर है। इट शुड टच द साइड ऑफ बीकर। ये जो फनल का जो ये जो स्टेम है इसको हम इसमें बीकर के साथ इसको अटैच होना चाहिए साइड के साथ ताकि स्प्लैशिंग का प्रोसेस ना हो, सॉल्वेंट हमारा स्प्लैश ना हो, चींटे हम पे ना पड़े। मोर एवर द स्टेम ऑफ फनल should remain full of liquid during the filtration. The filter paper should be fitted properly, otherwise it is a time wastage. एक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। ये स्टूडेंट जो फिल्ट्रेट होता है those components which pass out through filter paper that is known as filtrate. अब जिस तरह यहाँ पे हम sand and water का जो सैंपल है यहाँ पे ऐड करते हैं तो एज ए रिज़ल्ट जो लिक्विड फॉर्म में कंपोनेंट्स फिल्ट्रेट हो जाते हैं स्मॉल साइज़ वाले, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल वाटर है तो ये क्या कहलाएगा, फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट है, ठीक है जी। जबकि दोज कंपोनेंट्स that does not pass out through a filter paper that is known as residue। अब ये देखें जी, इसमें जब ये जो यहाँ पे हम पुट करते हैं ये सैंपल का सोलूना और यहाँ पे जो नॉन इनसॉल्युबल पार्टिकल्स जो यहाँ पे स्टक हो जाते हैं, लेफ्ट बिहाइंड रह जाते हैं, इनको हम कहते हैं रेजिड्यू। ज़्यादातर जो फिल्ट्रेट होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे कि ये नीचे वाटर है, और जो रेजिड्यू होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। जो फिल्ट्रेट होता है वो हम ये भी कह सकते हैं कि ये स्मॉल साइज़ पार्टिकल हैं जो कि फिल्टर पेपर में से पास होकर नीचे आ जाते हैं, जबकि रेजिड्यू लार्ज साइज़ पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे पास आउट नहीं होते बल्कि यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। फिल्ट्रेट की एग्जांपल वाटर, जबकि रेजिड्यू की एग्जांपल हम यहाँ पे जो है वो सैंड है, क्योंकि वो यहाँ पर लेफ्ट बिहाइंड फनल में रह जाता है फिल्टर पेपर के ऊपर। क्लियर।